हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज मैं आपको अपने बचपन की कहानी बताऊंगा। जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था और मैं बहुत पतला हुआ करता था, तो मेरे को मेरे मम्मी पापा डॉक्टर के पास लेके जाते थे और बोलते थे कि ये कुछ खाता नहीं है, इसके शरीर में कुछ लगता नहीं, इसको मोटा कर दो, इसको कुछ ऐसी दवाई दे दो जो खा के मोटा हो जाए। और मेरे को बहुत सारी आयरन की कमी हुआ करती थी, हीमोग्लोबिन की कमी हुआ करती थी, मैं बहुत पेल सा था और अजीब सा था, जो जनरली छोटे बच्चे स्कूल के बच्चे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 10-15 साल की, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो डॉक्टर क्या बोलते थे? डॉक्टर बोलते थे कि इसको हरी सब्जियाँ खिलाओ। हरी सब्जियाँ गाइज, मैं सोचता था ये डॉक्टर मुझे मरवाएगा, हरी सब्जियाँ खिलवाएगा। और मैं तो मुझे आलू इतना पसंद था, मेरे ख्याल से 50-60% बच्चों को तो आलू ही पसंद होते हैं। मेरे समय में तो सिर्फ आलू खाता था, आलू के अलावा मुझे कुछ पसंद नहीं था। वो बोले पालक खिलाओ, कभी ये खिलाओ, कभी वो खिलाओ। गाइज आर यू सीरियस? हरी सब्जियाँ कौन खाता है? बट डॉक्टर बोलते थे खिलाओ खिलाओ, और मेरी मम्मी पकड़ के मार के मुझे खिलाती थी। लो पालक खाओ, आज ब्रोकली खाओ, आज ये खाओ। और मैं रो के खाता था कि अच्छा ठीक है, खा रहा हूँ। मगर मेरे मम्मी पापा ने हाथ खड़े कर लिए थे कि बोले इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको ये खाएगा वाएगा नहीं, इसको हम कितनी मेहनत कर लें, कितने मार लें, क्योंकि खा ही नहीं पाते यार। हरी सब्जी कौन खाता है? मेरे तो गले से अभी भी नहीं उतरती पालक। पालक के नाम पे, मेथी और इन सब के नाम पे तो मुझे अभी भी लगता है क्यों बनाया है। तो गाइस, अगर आपको भी हरी सब्जियों से एलर्जी है, मगर आपको मैं एक बात बता दूँ, हरी सब्जियाँ हमारे हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो वाइटामिन्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए। आपको पता है कि हरी सब्जियाँ बहुत सच में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो भी नेचुरल। आप लोग बोलते होंगे भैया आप नहीं खाते तो क्या हुआ, हम तो खाते हैं। गाइस, जो आप खाना खाते हो ना आज की डेट में, वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वो किसी काम का नहीं है। इतना तेल वेल तड़का डाल के गरम फ्राई वराई करके जो खाना बनता है, वाइटामिन्स खत्म हो जाते हैं। खा क्या रहे हो? फाइबर खाओ, वेरी गुड। इसी चीज़ के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही मस्त सा प्रोडक्ट, रेडिप्लेक्स का ग्रीन। इट्स अ ग्रीन हरा, बहुत हरा है। और गाइस, के अंदर पता क्या है? एक टैबलेट के अंदर, समझना, ध्यान से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक टैबलेट के अंदर, इसमें जो एक गिलास दूध होता है ना, उतना B12 विटामिन जो एक गिलास दूध में होता है वो एक टैबलेट के अंदर है। 100% RDA ऑफ विटामिन D3 है। फॉलिक एसिड एज 1 कप ब्रोकली, इसमें 1 कप ऑफ ब्रोकली, जो ब्रोकली होती है उसके अंदर, जो 1 कप ब्रोकली में जो फॉलिक एसिड होता है वो एक टैबलेट के अंदर है। 2 कप ऑफ क्विनोस के अंदर जो आयरन होता है, समझ लो आयरन, वो एक टैबलेट में है। जिंक 2 कप ऑफ ग्रीन पीस, जो ग्रीन पीस होती हैं 2 फुल कप आप ग्रीन पीस खाओगे, जो आपको जिंक मिलेगा वो उसके एक टैबलेट के अंदर है। और 5 कप ऑफ आलमंड, और बाप रे, बादाम के 5 कप आप जब खाओगे और उसके बाद जो आपको बायोटीन मिलेगा वो इस एक टैबलेट के अंदर है। इतना सारा बहुत कुछ इसके अंदर डाला हुआ है, ब्रोकली, पालक, और पता नहीं इसके अंदर स्पिनच है, पालक है, काले है, व्हीट ग्रास। ओके, व्हीट ग्रास हमको पता है कि मेरे घर में मेरे पापा को बहुत शौक चला था और उन्होंने 7 गमले लेके आए और 7 गमले में व्हीट ग्रास लगाई, और फिर वो डेली घोर के और काट के डेली 7वें दिन मेरे ख्याल से कुछ कट करके उसको जूस बना के उसको पीते थे। और मुझे बहुत ही गंदा लगता था व्हीट ग्रास। तो इसके अंदर व्हीट ग्रास भी है, इसके अंदर काले है, स्पिनच है, मोरिंगा कहते हैं, मोरिंगा की फलियाँ होती हैं। और इसको पीना कैसे बता देता हूँ, फिर बताऊँगा कि क्या है। 1 गिलास ऑफ पानी लेना है आपको, ओके, पानी लेना है। अभी बताऊँगा इसके अंदर और क्या क्या है, ठीक है, जब तुम्हें घुल जाए, क्योंकि ये डिस्पर्सिबल टैबलेट है। एक खुशबू तो आ नहीं रही है, हरे रंग की टैबलेट है इसके अंदर, क्योंकि इट्स ग्रीन। इसको हमें डालना है पानी के अंदर, ओके। जब तक घुल रहा है तब तक आपको इस तरह डिस्पर्सिबल डेली घुल जाएगा। इसके अंदर स्पाइरुलिना है, पता है स्पाइरुलिना क्या होता है? इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। पहले एक एडवर्टीजमेंट आता था बचपन में, मैं देखता था कि एक तराजू है, एक साइड उसमें स्पाइरुलिना है 1 चम्मच, और एक साइड पूरा एक साइड बहुत सारी सब्जियां, हरी सब्जियां हैं। तो हरी सब्जियां इक्वल टू स्पाइरुलिना 1 स्पून। तो इसके अंदर स्पाइरुलिना, इसके अंदर एलोवेरा इज वेरी गुड फॉर हेयर, स्किन, एवरीथिंग। क्लोरेला है इसके अंदर, और इसके अंदर अल्फा ओके। अश्वगंधा भी, अश्वगंधा पता ना आपको पावर के लिए चाहिए होता है, पावर, मैन पावर, और बाकी चीज़ों में काम करेगा। आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करेगा, आपके हेल्थ को, आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन को इंक्रीज करेगा, आपका हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करेगा। आपके मतलब ग्रीन सब्जियां खाने से जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो आपको एक टैबलेट में मिलेगा। मुझे ग्रीन सब्जियों से बहुत एलर्जी है, उसका कलर भी ग्रीन हो रहा है, आई डोंट नो ये टेस्ट कैसा करेगा। इसमें ब्रोकली भी है, इसमें 15 वेजिटेबल हर्ब्स एंड फ्रूट्स का मिक्सचर है, 15 वेजिटेबल एंड फ्रूट एंड हर्ब्स का मिक्सचर है। ये नेचुरल, इसमें कंपनी बोल रही है नेचुरल फ्लेवर है, स्वाद के लिए, स्वीटनर के लिए इसमें स्टीविया डाला हुआ है, टोटली प्लांट बेस्ड है। तो अगर आप वेजिटेरियन है तो ये ऑफकोर्स प्लांट वाला है तो भाई वही है। सोया फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, पेट में नहीं चिपकेगा, डेयरी फ्री है, अगर आपको डेयरी से एलर्जी तो भी आपको कोई टेंशन नहीं। नॉन GMO है, शुगर फ्री है, डायबिटीज वाले ले सकते हैं, हाइपर एलर्जेनिक है, एलर्जी नहीं करेगा, GMP सर्टिफाइड है, एंड कंटेन Vitamin D3। ओके, Vitamin D3 भी है इसमें, तो आपको विटामिन D3 की कमी नहीं होगी। विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे, इट्स हार्मोन अगेन, और फिश फॉर्म में है, बहुत कुछ इसमें कंपनी ने दिया है। 15 टैबलेट आएंगी एफोवेसेंट, मेरी दम नहीं पड़ रही इसको पीने के लिए, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। 600 रुपये में आपको 15 टैबलेट मिलेंगी। मतलब जिस हिसाब से इसमें है सब्जियां, मतलब 2-2 कप बादाम का एक टैबलेट में अर्क डाला हुआ है इन्होंने, दूध पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है। तो मतलब यार देखने में तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं कैसे पीऊँ मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार पता क्यों सोच रहा हूँ पीने के लिए, बिकॉज मैं जब मेरे मम्मी ने मार के पिलाते थे तो मुझे पालक लेके आई थी एक बार, और उसको मिक्सी में पीस के और पूरे घर को मम्मी ने पिलाया था, और पालक का जूस, माय गॉड मैंने सर पकड़ लिया था, और मुझे वही पालक की जूस की याद आ रही है। मैं बिल्कुल भी ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाता हूँ, बट बॉडी के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। यार ये वीडियो बनाने के लिए ना क्या क्या करना पड़ता है मेरे को, घुट चुका है गाइस, मैं फिंगर क्रॉस कर रहा हूँ, आई होप ये अच्छा होगा। स्मेल तो कुछ आ नहीं रही है सच यार, इट्स टेस्टी, मीठा है, फिजी है और टेस्टी है। मतलब अच्छा है गाइस, इसको आप पी सकते हो। सबसे बड़ा मुझे जो देख के इसको सब लग रहा था ना, कि मेरे को लग रहा था कि ग्रीन वेजिटेबल डाला हुआ है, इसको पीस पास के उसको सुखा के कैप्सूल बना दिया है, और जब मैं पीऊंगा तो वही सब टेस्ट आएगा, बट ऐसा नहीं है, वैसा टेस्ट नहीं। आप इसको आराम से पी सकते हो यार, मतलब मेरे जैसा आदमी अगर इसको पी पा रहा है तो मैं तो, मतलब आप लोग तो पी सकते हो, मतलब मैं तो वेजिटेबल के नाम पे ऐसे भाग जाता हूँ, दूर भाग जाता हूँ। तो हाँ, खूब फोन करते लोग। तो गाइस रेडीप्लेक्स कंपनी का ग्रीन्स करके वेजिटेबल वाली टैबलेट है। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते हैं, अगर आपकी फैमिली में आपके छोटे छोटे बच्चे ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते हैं, खासकर बच्चों को बहुत कमी होती है, देखो वाइटामिन स्किन को ज़रूरत होती है, तो ये इट्स ऑल नेचुरल, आपको आर्टिफिशियल, आपको मल्टीविटामिन नहीं देना है, आपको इसी के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आपकी डाइट में वेजिटेबल की कमी हो रही है, आपको ये देखो आपको बहुत सारी चीज़ों में काम करेगा, बिकॉज जो वाइटामिन है वो आपके स्किन को हेल्दी करेगा, आपको बॉडी को नेचुरली स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके हेयर को हेल्दी करेंगे, आपके आँखों को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके फुल बॉडी को एनर्जाइज कर देगा, क्योंकि उसमें अश्वगंधा भी है और स्पायरुलिना भी, विच इज एंटीऑक्सीडेंट। जो भी हमारा स्ट्रेस होता है, जो पॉल्यूशन हम जाते हैं, जितना भी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंटी एजिंग के लिए, तो एंटी एजिंग में भी काम करेगा। देखो सिंपल सी बात है, मैं बता दूं, जितने भी हरी सब्जियों के फायदे होते हैं खाने के, अगर आपको लगता है कि हरी सब्जी खाने से फायदा होता है तो इसको जरूर खाइए, अगर आप हरी सब्जी नहीं खाते हैं, और अगर नहीं खाते हैं तो बात ही खत्म है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। इसकी प्राइस है 600 रुपये का 15 टैबलेट है, ये आपको मिलेगी www.letscomake.com पे, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाइए, क्लिक करिए और उसको परचेस करिए, पी के मुझे बताइएगा टेस्ट कैसा लगा। मुझे तो पसंद आया टेस्ट, मेरी तो आंखें खुल गई हैं। भैया वेट क्या कर रहे हो, ये डब्बा मेरा है, मेरा अपना, जाके खरीद लो, बाय।